तेरी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुझे उन सभी तंत्र मंत्रों का ज्ञान दे चुका हूं जिससे तू मनुष्य तो क्या देवी देवताओं को भी वश में कर सकता है। अब और क्या चाहता है, निसंकोच होकर मांग, हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे पुत्र नरसिंह देव। गुरुदेव, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे उस सिद्धि का ज्ञान दीजिए जिससे वो पिंजरा तैयार होता है, जिसमें कैद होने पर बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष की भी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। दुरुपयोग तो नहीं करेगा? ऐसी बात कर रहे हैं आप गुरुदेव, आपको अपने परम भक्त चेले पर विश्वास नहीं है? मुझे अपने आप से अधिक तुझ पे विश्वास है नरसिंह देव। हरिओम। ले बालक, हरिओम का जाप करते हुए जब तू इन मोतियों को पिरोकर माला बनाएगा वो पिंजरा तैयार हो जाएगा, किंतु उस माला को संभाल कर रखना क्योंकि उसके टूटते ही वो पिंजरा भी नष्ट हो जाएगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरिओम, 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 हरिओम। पिंजरा तो तैयार हो गया गुरुदेव, आज्ञा हो तो इसकी परीक्षा कर ले। आज्ञा है। दुनिया में आपसे बड़ा सिद्ध पुरुष कौन हो सकता है? क्षण भर के लिए पिंजरे में पधारी। मैं सिर्फ परीक्षा के लिए गुरुदेव। अवश्य। हो गई पुत्र, अब तो बाहर निकाल। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं गुरुदेव, हैं? अब मेरे जैसा चमत्कारी केवल मैं ही रहूंगा, ना अभी आप में कोई शक्ति रहेगी ना आप मेरे जैसा दूसरा कोई तैयार कर सकेंगे। अरे दुष्ट, तूने अपने ही गुरु से छल किया। भस्मासुर ने अपने वरदाता भगवान शंकर को भस्म कर देना चाहा था। मैं तो आपको आदर से सदा के लिए अपने पास रख रहा हूँ गुरुदेव, नित्य आपके दर्शन के लिए गुरुदेव। नीच दुष्ट पापी। सत्य वचन गुरुदेव, सुनो, आज से इस मठ का गुरुदेव मैं हूँ। मैं जी महाराज। मेरी जमीन और बागान पर कब्जा करने के उस नरसिंह देव के बच्चे ने हिम्मत कैसे की? अरे वो तांत्रिक है तो क्या हुआ, उठाकर फेंक दो उसके आदमियों को और कब्जा कर लो अपनी जमीन और बागान पर। अब उसके अत्याचार और ध्वंस के आगे हम नहीं झुकेंगे। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां। नहीं बेटा नहीं, नरसिंहदेव बहुत ही दुष्ट और नीच आदमी है, वो तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसे दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं, भूल जाओ उस बगान और जमीन को। माँ तुम खा मखा घबराती रहती हो, वो दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवराज ने मेरे आदमियों को मारा, मुझसे दुश्मनी ली, अब उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, क्या समझता है वो अपने आप को, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। कब तक इस तरह अत्याचार करते रहेंगे आप, हत्या करना पाप है। बकवास बंद कर, हट जा। अरे हमें पाप पुण्य समझाने आई है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी राख बनाकर उसे उड़ा दूंगा। नरसिंह देव तू महापापी है।
सुनी करके तू हंस रहा है? तो मनुष्य नहीं, राक्षस है। मेरे साथ तूने जो अन्याय किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कोड़ी बन जाएगा, तेरे शरीर का एक एक अंग गल गल कर गिरेगा। बकवास बंद कर बुढ़िया, नहीं तो तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। मार डाल कमीने, मार डाल। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा कुत्ते। तेरी मौत तुझे बकवास करने पर मजबूर कर रही है, ले ले तू भी मर। प्रस्ताव नहीं, नहीं, अब मारा नहीं, मत दीजिए। एक दिन मरकर भगवान को भी मुंह दिखाना है। वो क्या देख रहे हो? उठाकर फेंक दो बुढ़िया को नदी में। उठिए उठिए, सुबह हो गई, चाय लीजिए। चाय। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे अंगूठे को क्या हो गया? जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा कुत्ते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंगूठे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दुराचारी, दया करो गुरुदेव। दया तुझ पर, अधम दुष्ट, तू कोड़ी होकर ही मरेगा। अपने गुरु के साथ छल कपट करने वाले को इस संसार में तो क्या, ब्रह्मांड में भी कोई नहीं बचा सकता। भूल हो गई गुरुदेव, क्षमा कीजिए। एक बार इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता दीजिए, मैं आपको अवश्य आजाद कर दूंगा। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं रहा। भगवान शंकर की सौगंध, मैं आपको आजाद कर दूंगा गुरुदेव। तो जैसे पापी को बचाना महापाप है, तेरे दिए हुए समस्त कष्ट मुझे स्वीकार है, किंतु तुझ जैसे दुराचारी को बचाना या जीवित रखना मुझे स्वीकार नहीं। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि अब मैं कोई दुराचार नहीं करूंगा, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, आपका दास बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। एक आखिरी मौका दे। ठीक है, मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुझे अमर कुंड में स्नान करना होगा, किंतु उस अमर कुंड तक पहुंचने के लिए तुझे इच्छाधारी नाग की मणि प्राप्त करनी होगी, और वो इच्छाधारी नाग का जोड़ा हर पूर्णमासी की रात को काले पर्वत पर आता है। लेकिन गुरुदेव, मेरा कोर तो बढ़ता ही जा रहा है, तब तक तो मैं सड़गल कर खत्म हो जाऊंगा। हाँ गुरुदेव। नरसिंह देव, उसके लिए तुझे 1 कोटि ओम नमः स्वाहा मंत्र का जाप करना होगा। 15 वर्ष के लिए तेरा ये रोग रुक जाएगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा कोर तो रुक गया। अब मैं अमरकुंड पहुंचने के लिए मणि की तलाश में जा रहा हूं। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेने से पहले मुझे स्वतंत्र तो करता जा। तूने भगवान शिव की सौगंध खाकर मुझे वचन दिया है। मुझे याद है गुरुदेव, लेकिन पहले मेरी मुक्ति, तत्पश्चात आपकी। दुष्ट, नीच, पापी। सुभद्रा, गुरुदेव के दाना पानी का ख्याल रखना। जय गुरुदेव।
बदलो मुझसे नहीं बचोगे। ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्व।